नमस्कार दोस्तों, पशुपालन एक लाभदायी व्यवसाय इस YouTube चैनल पर मैं नितेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस YouTube चैनल पर आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना काफ़ी आसान है, वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन दिख रहा है सब्सक्राइब, उस पर लिखा होगा, उसे क्लिक करें और साथ ही जो बेल का बटन आएगा उसे भी क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, मुझे आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। देखा जाए तो बकरी पालन शुरू करने के लिए बहुत से लोग उत्सुक है, लेकिन पैसों की कमी के चलते बहुत से लोग इस व्यवसाय में शुरू करने में काफ़ी परेशानियां झेल रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि बकरी पालन हम कम खर्चे पे भी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, बकरियाँ आपको आमतौर पर अपने नज़दीकी मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। आपके पशु नज़दीकी पशु मार्केट में या फिर आपके एरिया में जो गोल्ड फार्मिंग कर रहे हैं या फिर बकरी पालन कर रहे हैं उससे भी आप काफ़ी सस्ती दाम पे बकरियां परचेस कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब आता है कि जब हम उसे बकरियों को हमारे शेड में लेके आते हैं तब प्रॉब्लम आता है कि उनके लिए जो इक्विपमेंट या जो सामान लगेगा वो कहाँ से लाए ना। तो हम बहुत से लोग उसके लिए काफ़ी खर्चा करते हैं, खर्चा करके जो सामान तैयार करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम कम खर्च में बकरी पालन कैसे शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मेरा छोटा सा इंट्रो। सब्सक्राइब करें पशुपालन एक लाभदायी व्यवसाय चैनल को और दबाइए बेल का बटन ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, कि जैसे कि मैंने अभी पहले कुछ देर पहले बताया कि बकरी पालन शुरू करना वाकई में काफ़ी सस्ता काम भी हो सकता है। बहुत से लोग बकरी पालन शुरू करना चाहते हैं लेकिन पैसों की कमी के चलते बहुत से लोग अभी सोच रहे हैं कि बकरी पालन कैसे करें और क्या करते हैं लोग कि लोन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, बकरी पालन ऐसा व्यवसाय है कि आप कम से कम खर्च में भी शुरू कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ इक्विपमेंट्स और ऐसे कुछ टेक्निक्स बताऊँगा कि जिसके वजह से आप बकरी पालन व्यवसाय बहुत ही कम कीमत में शुरू कर सकते हो। अगर आपके पास बकरियाँ हैं और आप सोच रहे हैं कि इस बकरियों को बकरी पालन के व्यवसाय को कुछ आगे बढ़ा के कुछ एक कमर्शियल तौर पर काम करें तो उसके लिए आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, कुछ चीज़ें लगेंगी जो बकरी पालन व्यवसाय में आमतौर पर उपयोगी होगी। जैसे कि बकरियों को चारा खिलाने के लिए फीडर्स, उसके बाद बकरियों को मिनरल्स खिलाने के लिए मिनरल स्पॉट, उसके बाद पानी पिलाने के लिए ड्रिंकर्स और साथ ही बकरी के बच्चों को हीटिंग के लिए कुछ अलग से इक्विपमेंट्स। दोस्तों, अगर आप ये चीज़ें मार्केट से लेंगे तो काफ़ी महंगी जाएंगी, अगर आप किसी से बनवा लेंगे तो वो भी काफ़ी महंगी जाएंगी। तो क्या करना है दोस्तों कि ऐसी चीज़ें जो है हमें होममेड बनाना है, यानी घरेलू तकनीक से बनाना है। तो आज इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ कुछ इमेज के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, बकरियों के लिए फीडर्स यानी जो जिसमें बकरियाँ चारा खाती हैं ये काफ़ी मायने रखते हैं। होता क्या है कि अगर हम गोट फार्मिंग करते हैं और चारा हमारे पास बहुत मात्रा में है तो अगर हम बकरियों को चारा ऐसे खुले में छोड़ देंगे, खुले में डालेंगे, परोसेंगे तो बहुत सा चारा वेस्ट चला जाता है। तो जिसकी तरह से क्या होता है कि अपना चारे का नुकसान भी होता है, बकरी और शेड में गंदगी भी होती है। अगर आप मार्केट में जाएंगे तो फीडर अगर बनवाएंगे तो काफ़ी महंगा जाएगा। तो उसका एक देसी इलाज इस फोटो में आप देख पाएंगे। एक वेस्टेज ड्रम जो कि आमतौर पर आसानी से जो स्क्रैप की दुकान में या फिर भंगार मार्केट में मिल जाएगा, अगर वो ड्रम को अगर हम नीचे से काट दें और एक जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं और उसमें से ऊपर से घास डाल दें तो एक अच्छे सा फीडर का काम कर सकता है। इसमें से बकरियां जितना चाहेंगी उतना ही फीडरलेस चारा खा पाएंगी और इससे ज़्यादा गंदगी भी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि फीडर्स का एक दूसरा नमूना। इस स्लाइड में आप देख पा रहेंगे कि ये जो लकड़ी के कुछ पट्टियां लेके इन्होंने एक बहुत अच्छा खासा एक फीडर्स बनाया है, जिससे क्या होगा कि बकरियों को खाने के लिए भी काफ़ी आसानी होगी, साथ ही जो चारा है ये चारे का नुकसान भी नहीं होगा। दोस्तों, हमें कोई भी व्यवसाय शुरू करने के लिए कुछ देसी नुस्खे भी आजमाने पड़ते हैं, उसका एक अच्छा खासा नमूना है। जितना हम खर्चा कम बकरी पालन में करेंगे उतना ज़्यादा मुनाफा मिलने की हमें संभावना होती है। होता क्या है कि हम लोग बहुत सा पैसा उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि हमारा वो इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा निकलने में काफ़ी साल लगते हैं। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि कितने अच्छे तरीके से उन्होंने मिनरल्स फीडर्स बनाए हैं। दोस्तों, अगर आप बकरी पालन कर रहे हो, अगर आपके पास कुछ अच्छे सा खुराक है या फिर मिनरल्स है कि जो आप बकरी को खिलाना चाहते हो, तो अगर आप उसे एक आधे फीडर्स में रखेंगे या फिर खुले में रखेंगे या फिर एक आधे कटोरी में रखेंगे तो बकरियां खाने से ज़्यादा वेस्टेज काफ़ी करती है।
तो इसीलिए देखिए, जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि एक पाइप को लेके उसको एक एल्बो लगा के उन्होंने बहुत बढ़िया सा एक फीडर बनाया है, जिनमें आपको ऊपर की ओर से एक उसमें दाना या फिर आपको खुराक डालना पड़ेगा और नीचे में जो बकरियाँ उसका मुँह डाल के आसानी से फीडर उसका जो दाना चख पाएगी। तो इससे यह होगा कि आपका आपका जो जगह भी कम लगेगी, साथ ही साथ आपका जो फीडर है या जो भी कुछ खुराक है वो वेस्ट कम जाएगा। काफ़ी कम खर्चे में ये बनेगा दोस्तों। आप अगर हार्डवेयर में जाएंगे तो ये इस तरह के से पाइप फिटिंग आपको आसानी से मिल जाएगी और ये लंबे समय तक चलने वाली फिटिंग्स है। ऐसा नहीं है कि आज अगर लगा दिया तो तोड़ देगी, अगर आप अच्छे से इसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये लंबे समय तक चलेगी। बढ़ते हैं हमारे अगले स्लाइड की ओर। दोस्तों बकरियाँ हमेशा ऊंचाई पर बैठना पसंद करती है। नमी वाली जगह पे, गीला जहाँ पे जगह गीली है वहाँ पे बकरियाँ आमतौर पर बैठना पसंद नहीं करती। वो दिन भर खड़ी रहेगी लेकिन गीले में नहीं बैठेगी। और आप देखते होंगे रोज़मर्रा की इसमें कि बकरियाँ हमेशा हाइट पे यानी ऊंचे पे बैठना पसंद करती है। तो दोस्तों देखिए कि इस स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे कि ये टायर का इस्तेमाल करके कितना बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाया है। ये टायर हमें आसानी से जो पंचर की दुकान में वेस्टेज के तौर पर मिल जाएंगे। कई बार ये टायर जो है ये हमें काफ़ी आसानी से मिलते हैं। इसमें हमें सीमेंट का जो घोल मिला के एक अच्छे से अगर आप प्लेटफॉर्म बनाएंगे तो ये बकरियों के लिए अच्छा सा प्लेग्राउंड भी बनेगा, साथ ही बैठने के लिए भी उपयुक्त जगह भी बनेगी। दोस्तों बकरियों के लिए प्लेग्राउंड काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। बकरियाँ ये जो है ये जॉयफुल प्राणी है यानी खेलने कूदने वाला जानवर है। अगर हम इसे अच्छा सा प्लेग्राउंड मुहैया कराएंगे तो ये बकरियाँ स्वस्थ भी रहेंगी और साथ ही इनकी जो ग्रोथ है ये ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। अब इस स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे कि एक सादा लकड़ी का गट्ठा ये बकरी के लिए कितना जॉयफुल हो सकता है। बकरियाँ आसानी से इस बकरी के बच्चे आसानी से इस गट्ठे पे चढ़ेंगी, खेलेंगी, कूदेंगी और इससे क्या होगा कि उनका मेटाबॉलिज्म यानी उनकी जो पाचन क्षमता जो है वो भी होगी। खाने वाला जो उन्होंने दूध पिया है, चारा पिया है, ये भी उन्हें पचने में आसानी रहेगी और साथ ही बकरियाँ के जो खुर है ये खुर भी नहीं बढ़ेंगे। दोस्तों बकरियाँ जितनी कूदेंगी, खेलेंगी या ज़मीन पर भागदौड़ करेंगी उतनी उनके खुर जो है ये खुर शेप में रहते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले स्लाइड की ओर। दोस्तों बकरी के बच्चे पैदा होने के बाद अगर उन्हें गर्माहट मिलना काफ़ी ज़रूरी होता है तो इस स्लाइड में आप देखेंगे कि ये ड्रम को नीचे से काट के अंदर एक छोटा सा लाइट लगा दिया तो ये बच्चे के लिए अच्छे से इंक्यूबेटर का काम करेंगे। जब बच्चे को ठंड लगेगी तो बच्चे इसमें आराम करेंगे और इससे क्या होगा कि बच्चे के जो शरीर का तापमान है ये भी मेंटेन रहेगा और बच्चे भी हेल्दी रहेंगे। दोस्तों ये जो देसी जुगाड़ हम इसे कहेंगे, ये देसी जुगाड़ दिखते तो काफ़ी मामूली है लेकिन इनका इफेक्ट काफ़ी अच्छा होता है। काफ़ी कम खर्चे में बनते हैं और इसका इफेक्ट हमें हमारे जानवर को जानवर के हेल्दी होने से पता चलता है। अब ये जो पिक्चर आप देख पा रहे होंगे कि इन्होंने क्या किया है कि एक दीवार को जो ब्रश है जो आमतौर पर जो वुड पॉलिश के ब्रश या फिर प्लास्टिक के ब्रश आमतौर पर मार्केट में मिलते हैं ये इन्होंने एक दीवार से टंगा दिए हैं। ये बकरियों को अपना शरीर साफ करने में काफ़ी मदद करेंगे। दोस्तों टेक्निक्स काफ़ी आसान है, काफ़ी छोटी सी टेक्निक्स है लेकिन इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। बकरियाँ आमतौर पर अपने आप को साफ सुथरा रखना पसंद करती है। ऐसे में अगर बकरी के शरीर पर टिक्स हो या फिर कोई परजीवी हो तो वो अपने आप को दीवार में या फिर लकड़ी के खंभे में अपने आप को घसीट के साफ करती है। लेकिन अगर दोस्तों हम थोड़ी सी कल्पकता दिखाएंगे और ऐसे कुछ ब्रश का अरेंजमेंट हम हमारे दीवार से करेंगे तो बकरियाँ इस दीवार से रगड़कर ये ब्रश से रगड़कर अपने आप को साफ रखेंगी और बहुत अच्छी मात्रा में हमारा जो बकरियों के शरीर पर होने वाले टिक्स या फिर जो कुछ भी परजीवी है ये अपने आप साफ हो जाएंगे। दोस्तों हम भारत में ऐसी चीज़ों को आमतौर पर नहीं देखते। हम क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बकरी पालन के इन्वेस्टमेंट में खर्चा करते हैं और उससे क्या होता है कि अगर हमारा व्यवसाय अच्छे से चल गया तो कोई बात नहीं, अगर कोई दिक्कत की वजह से बकरियों हमारा व्यवसाय लॉस में आ गया तो बहुत मात्रा में हमारे को नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों ऐसे जुगाड़ करके हम बकरी पालन व्यवसाय को काफ़ी मुनाफे में ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको किसी पॉइंट्स पे वीडियो की जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट्स करें, उस विषय में मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक।